क्या? पुलिस पिटने के लिए है, आप पिटने के लिए भर्ती हो रहे हैं क्या? कमिश्नर के आदेश को भी नहीं मान रहे, लेकिन मेरे पास आदेश कुमार है इस वक्त हेड कांस्टेबल, इनसे ही इनके साथियों की राय जान लेते हैं। क्या हल है आप? कमिश्नर साहब तो बोल के अपील करके चले गए आप। हल अभी कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ कह के गए कि यहाँ से चले जाओ। आगे क्या नीति होनी है, क्या रणनीति हो, जिस प्रकार झगड़ा हुआ उसके बाद दबाव में आके पुलिस ने हमारे ही साथियों पे मुकदमे करा दिए। हम चाहते हैं कि तो हमसे मुकदमे वापस ले जाएं, जो झूठे मुकदमे हमारे पे लगाए गए। अपने बचाव के लिए किस लिए दी गई थी पिस्टल? अपने बचाव के लिए उसने गोली चलाई है, वो किसी को मारने के लिए हवाई फायर किया गया था। अपने किसी भी अफसर का कहा मानने को राजी नहीं थे पुलिस वाले। दिल्ली में कानून व्यवस्था ठप पड़ गई थी, थानों में सन्नाटा पसरा था, सड़कें सूनी थी, ऑड इवन का दूसरा दिन था, लेकिन चालान काटने वाले नदारद थे, उचक्के मौज में थे, और दिल्ली पुलिस वाले चिल्ला रहे थे कि दिल्ली पुलिस चंद गुंडों के आगे थर थर कांप रही। आज तक बेड़ो दिल्ली पुलिस के जवान किसी की सुनने को राजी नहीं थे। वो ड्यूटी पर लौटने के एवज में एक ही मांग पर अड़े हुए थे, जिन वकीलों ने कानून व्यवस्था को तमाशा बनाया है उन पर एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अफसर ये जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उनके पास आतंकवादियों से मुकाबले के तौर तरीके तो हैं, लेकिन वकीलों की गुंडागर्दी से निपटने के नहीं। आगे जो हुआ वो आप खुद देखिए। मैं आपको इतना, अगर आपको मुझ में विश्वास है, अपने सीनियर ऑफिसर्स में विश्वास है। दिन भर की बैठक के बाद जवानों को समझाने बुझाने आए अशोक चिन्ह वाले साहब ने अपने मातहतों का ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा था। कार से उतरते ही एड़ियां उचकाकर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, ये सारी बातें जो आपकी हैं, उसको बिल्कुल माना जाएगा। जवानों ने एक सुर में संयुक्त आयुक्त की विनती को निरस्त कर दिया। उगते हुए सूरज के साथ आए हुए जवान डूबते हुए सूरज के साथ भी पुलिस मुख्यालय से जाने को राजी नहीं थे। ये कब तक होता रहेगा? क्या हमारा कोई आत्म सम्मान नहीं है? क्या हमारी कोई गारिमा नहीं है? उधर इंडिया गेट पर दिल्ली पुलिस के समर्थन में उनके परिवारों का जत्था तख्तियां लेकर अलग उतर आया था। औरतें, बच्चे और बुजुर्ग, साथ में आम नागरिक कि चंद मवालियों के आगे इतनी बेचारी पलटन हमारी हिफाजत क्या करे? उनके पिस्टल छीन के उन्हें ही मारा जाएगा, ऐसा होगा क्या? आपको कौन सेफ रखेगा? वही रखते है ना, तो उनकी सुरक्षा के लिए जैसे हमने वकीलों को भी सस्पेंड करना चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द करिए। वकीलों से मिलने के लिए चला गया, लेकिन पुलिस वालों के परिवार कहाँ है? उनके आदमी पुलिस वाले घायल नहीं हुए क्या? तो इंडिया गेट पर मोमबत्ती जल रही थी, पुलिस मुख्यालय पर ताली बज रही थी, कमिश्नर साहब की सांस अटकी हुई थी, बड़े बड़े डीसीपी माथा पकड़े बैठे थे और गृह मंत्रालय इस सिपाही विद्रोह पर मौज में था जिसके तहत दिल्ली पुलिस आती है। उन्हें लगता है कि काले कोट वाले गुंडों पर हाथ डालने से कानून व्यवस्था खतरे में आ जाएगी। ना गृह मंत्री ना तो गृह मंत्रालय, इस पर ना कोई कार्रवाई हो रही है। जरा ये उन चेहरों पर जिनके आगे दिल्ली पुलिस के प्रताप के तमाम खस्से यमुना में प्रवाहित हो गए। इस आदमी का चेहरा पूरी तरह साफ है। ये आदमी बाकायदा बार काउंसिल का सदस्य है, नाम पता ठिकाना सब कुछ दर्ज है, लेकिन इसके गुंडागर्दी के हाथ दिल्ली पुलिस के कानून के हाथ से बहुत बहुत लंबे हो गए। सीसीटीवी कैमरे तोड़ने वालों के चेहरे साफ है, चौकियों पर धावा बोलने वालों के चेहरे साफ है, लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों में इन चेहरों पर मोतिया